हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज वॉल्यूम 2 का एपिसोड 2। इससे पहले के वीडियोस की लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं जॉम्बीज को, जिनमें लगभग सारे सुपर हीरोज और सारे सुपर विलन्स थे, यहाँ तक कि मैट एटन थैनोस भी। जहाँ पर स्पाइडरमैन कह रहा था अब आखिरकार कुछ नहीं बचा खाने को, उस पर जायंट मैन कहता है हफ्तों गुजर गए लेकिन ये भूख और ये दर्द अब सहा नहीं जाता। तब थैनोस और हल्क के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है इस बात पर कि हल्क ने दुगना खाना खाया और दूसरों को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब बाकी सुपर हीरोज उन दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक हल्क गुस्से में थैनोस का सर तोड़ देता है और कहता है अब दुगने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तब मरे हुए थैनोस को खाने के लिए ग्लैडिएटर आगे बढ़ता है। तब जैंटमैन उसे मना करता है उसके मांस को खाने से, लेकिन ग्लैडिएटर भूख के मारे उसकी बात नहीं सुनता और थैनोस का मांस खाने पर वो तुरंत उसे थूक भी देता है। तब हैंक पिम सबको आगे बढ़ने को कहता है। उस पर वुल्वरिन बताता है कि हम सब जगह तो जा चुके हैं। उस पर पिम कहता है नहीं, हम सब जगह नहीं गए, अभी भी एक ऐसी मशीन बाकी है जिसे दूसरे डायमेंशन में जाया जा सकता है। उस पर आयरन मैन को याद आता है कि उसने उस मशीन पे काम किया था और वो इस बारे में हैंक पिम से पूछता है। तब हैंक पिम कहता है यह सही है और रीड रिचर्ड ने उसे दोबारा बनाया यहाँ से भागने के लिए। अब हम उसी मशीन की मदद से यहाँ से बाहर निकलेंगे और इसके लिए हमें अर्थ पर जाना होगा। तब सब कॉस्मिक जॉम्बीज अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर हम देखते हैं एक बच्चा खेल रहा था, जहाँ उसे पत्थरों के बीच में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उस पर वो पत्थर हटाने लगता है, जहाँ उसे हॉकआई का कटा हुआ सिर पड़ा मिलता है, जो कह रहा था मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस पर वो बच्चा कहता है मेरे दादाजी ने तुम्हारे और तुम्हारे बिरादरी वालों के बारे में सब कुछ बताया है, तुम सभी मिस वास्प की तरह नहीं हो, तुम मुझे काटने की कोशिश करोगे। उस पर हॉकआई उस बच्चे को भरोसा दिलाता है कि वो उसे नहीं काटेगा। उस पर वो बच्चा उसे बाहर निकालकर अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। तुम देखते हैं न्यू वाकांडा, जहाँ ब्लैक पैंथर से फॉर्ज कह रहा था तुम इसके बारे में इतने लापरवाह कैसे रह सकते हो, तुम्हें सीरियसली इसके बारे में कुछ करना ही होगा। फोर्ज आगे बताता है अगर एक्वालाइट्स ने कम्युनिटी का कंट्रोल ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। उस पर टचाला उसे बताता है अगर मैंने उन्हें सजा दी तो ये हालात और बुरे बना सकता है और ये तुम भी जानते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब फोर्ज बताता है कि वो तुम्हारी सत्ता को चुनौती दे रहे है और मैग्नेटो से अपनी ईमानदारी रखते है। उस पर टचाला जवाब देता है उनका एक आर्ग्यूमेंट ये है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ तुम सबको लीड करने के लिए, और ये सच भी है। वो अब चाहते हैं कि एक नया लीडर चुन लिया जाए और ये सही भी है। इस बहस को बीच में रोकते हुए वो बच्चा उन्हें हॉकआई का सर दिखाता है और कहता है इसने मुझे काटने की कोशिश नहीं की। तब हॉकआई उन्हें देख कर कहता है क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ, उस वायरस की वजह से शायद उसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी थी। तब फॉर्ज उसे हॉकआई के सिर को उसके पास लाने को कहता है। तब दूसरी तरफ स्पेस में हम देखते हैं जॉम्बी सुपर हीरोज को, जो कि अर्थ की तरफ आ रहे थे और उन्हें आते वक्त एक लिविंग प्लेनेट मिल गया था, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खाने लगते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी भूख कितनी बड़ी हो चुकी है। तब हम देखते हैं अर्थ पर हॉकआई एक वास्प जैसी प्रोस्थेटिक बॉडी में था जिसे रेनॉल्ड्स ने बनाया था, और वो टचाला से कह रहा था यह अभी डरा हुआ है, करीब हाफ सेंचुरी से अकेले रहने के कारण ये दिमागी तौर पर भी डर गया है, और जब मैं उसका मास्क उतारने गया तो वो चिल्लाने लगा जैसे उसे लगा हो कि उसके चेहरे से उसकी स्किन उतारे जा रहे हो। हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हम नहीं कह सकते कि ये क्या क्या कर सकता है या फिर क्या क्या करने के काबिल है। तब न्यू वाकांडा में एक आदमी लोगों से कह रहा था फैबियन कोटर्स मेरे पिता एक महान इंसान थे, उनका मानना था कि हम इस दुनिया में अपनी सत्ता ला सकते हैं और हम
इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, और हमें छुप छुप कर जीने की बजाय यही करना चाहिए। मुझे अब तुम्हारे वॉरियर किंग पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि लड़ने के बजाय डर में जीता है, पास्ट और फ्यूचर का डर। मुझे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी दिखता है, कोई राजा नहीं, जो लगभग पागल हो चुका है। और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ नए विचार और नए लीडरशिप की। तब सभी लोग उसकी बात से सहमति दिखाते हैं। उसी रात रेनॉल्ड्स और वास्प हॉकाई की प्रोस्थेटिक बॉडी की जांच करके उसे ट्रबल शूट कर रहे थे। तभी जहाँ पर ब्लैक पैंथर और उसकी रानी सोए हुए थे, वहाँ कोई उन्हें मारने के इरादे से आता है, और वो ब्लैक पैंथर के पेट में एक नाइफ घुसाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो और कुछ कर पाता, ब्लैक पैंथर उसे एक किक मार के दूर कर देता है और उसकी तरफ बढ़कर उसे पकड़ने जाता ही है। तभी वो आदमी शॉक खाकर नीचे गिर जाता है। तो हमें दिखते हैं वास्प, जिसने अपनी प्रोस्थेटिक बॉडी में से करंट जनरेट करके हमलावर को शॉक दिया था। लेकिन ब्लैक पैंथर की हालत खराब थी। उस पर टचाला की पत्नी वास्प से टचाला को बचाने को कहती है। तब वास्प उसे बताती है कि इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो टचाला को काट लेती है। लेकिन उसके बाद वास्प की बरसों से सोई हुई भूख फिर से जाग जाती है, और वो अपने आप पर से काबू खो देती है और टचाला की पत्नी की तरफ उसे खाने को बढ़ती है। तभी कोई वास्प को पीछे से पकड़कर नीचे पटक देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि टचाला था, जो कि जॉम्बी बन चुका था। और वो वास्प से कहता है, मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दो, अगर तुम्हें किसी को खाना ही है तो मेरी मदद करो इस हमलावर को खाने में। तब वास्प उसका कहना मान लेती है। इससे ये पता चलता है कि टचाला बूढ़ा होने के बावजूद भी खुद पर कंट्रोल रख सकता है, और इसी वजह से वो एक सुपर हीरो और एक किंग भी बन सकता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी पर हमला भी नहीं किया। तब वो दोनों उस हमलावर को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे टचाला की पत्नी देख रही थी। तब टचाला उसे देखने से मना करता है और हमलावर को खाने के बाद खुद को कोसने लगता है। तब वास्प उसे समझाते हुए कहती है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इस सब की वजह भी वही है, तुम खुद को दोष देना बंद करो। हम लोग खुद को डिटेंशन लेवल में लॉक कर लेंगे, और कुछ हफ्तों बाद डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से जब यह भूख मिट जाएगी, तब तुम अपनी लीडरशिप की ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। यहाँ से सब कुछ अच्छा ही होगा, अब सब बुरी चीज़ें पीछे छूट चुकी है। मेरा मतलब है, इससे आखिर बुरा क्या हो सकता है। लेकिन वास्प ये नहीं जानती थी कि जो बुरा वो पीछे छोड़ा ही है, वो और भी भयानक होकर उसी के पास आ रहा था। तो अब क्या न्यू वकांडा भी इन्फेक्टेड होकर बच्चे कुचे ह्यूमंस मारे जाएंगे, या ब्लैक पैंथर अपने किंग होने का फर्ज निभाते हुए वकांडा को इस मुसीबत से बचा लेगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अपने सजेशंस भी देते रहे, जिससे हम अपने वीडियो और चैनल को और बेहतर बना सके। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ और धन्यवाद।